नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 फरवरी 2019 की द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की वोकैबलरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कल की वोकैबलरी का एक रिवीजन कर लेते हैं। कल की वोकैबलरी हमारे सामने है। इस बार की CAG रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल्ड किया गया। टेबल्ड मैंने आपको बताया था, पार्लियामेंट में रखा गया या पार्लियामेंट में पेश किया गया। जब इस बार की CAG रिपोर्ट को ऑडिट किया गया, या ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा करना या एनालिसिस करना। जब इस प्रकार की CAG रिपोर्ट को ऑडिट किया गया तो बहुत सारे रेवलेशन हुए, रेवलेशन का मतलब खुलासे हुए, जिसमें इस स्टील की लैप्सेसिस सामने आई। लैप्सेसिस में इस कमियां सामने आई और पाया गया कि CAG रिपोर्ट रफाल डील से रिलेटेड सारे डाउट अलाय नहीं किए हैं। अलाय मतलब दूर करना। CAG रिपोर्ट ने रफाल डील से रिलेटेड सारे डाउट दूर नहीं किए हैं। कॉन्ट्रैरी, विरोध में मोदी सरकार ने कहा कि इस बार की CAG रिपोर्ट बेटर है 2007 की CAG रिपोर्ट से, क्योंकि 2007 की रिपोर्ट के अनुसार रफाल डील को लेकर अभी तक नेगोशिएशन ही चल रहा था। नेगोशिएशन मतलब बातचीत ही चल रही थी। तो दोस्तों, फटाफट आज की वोकैबलरी पर मूव करते हैं। आज की वोकैबलरी है ओनस। फर्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदार या जिम्मेदारी। ओनस मीन्स ओनस मतलब जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी। नेक्स्ट वर्ड मीन्स मोर्न। मोर्न का मतलब शोक मनाना या दुख मनाना, शोक या दुख, उसको हम कहते हैं मोर्न। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मी या कर्मी, कर्मिया। पर्सनल मीन्स कर्मिया, जो हमारे जवानों को उनको बोलते हैं कर्मी या कर्मिया। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। प्रोवोक मीन्स भड़काना। नेक्स्ट इज गिवन कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब होता है बलपूर्वक। कोरेसिव मीन्स बलपूर्वक। नेक्स्ट इज गिवन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति या कोई चाल को हम कहते हैं डिप्लोमेसी। नेक्स्ट इज गिवन परपेट्रस। परपेट्रस का मतलब होता है अपराधी या फिर कोई दोषी पर्सन, अपराधी। नेक्स्ट इज गिवन ऑर्चेस्ट्रेटेड। ऑर्चेस्ट्रेट का मतलब करवाया। इसके आगे ED लगा दिया तो ये वर्ब है, ये पास्ट में हो गया। ऑर्चेस्ट्रेट मतलब करवाया, अगर ऑर्चेस्टर आए तो करवाना। नेक्स्ट इज गिवन कन्वॉय। कन्वॉय का मतलब होता है काफिला, जो CRPF के जवानों का काफिला निकल रहा था जिस पर अटैक हुआ, ये वो वाला काफिला है। ठीक है दोस्तों, कन्वॉय का मतलब होता है काफिला। नेक्स्ट इज गिवन डिसमिनेशन। डिसमिनेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पुरानी वोकैबुलरी वीडियोस में। डिसमिनेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो चलिए आइए इसकी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ट्रिक हमारे सामने है, आज भारत देश के 40 CRPF पर्सनल की मौत का, पर्सनल मतलब 40 CRPF कर्मियों की मौत का मोर मना रहा है। मोर मतलब शोक मना रहा है या दुख मना रहा है। यह साफ जारी होता है कि पाकिस्तान ने यह अटैक इंडियंस को प्रोवोक करने के लिए किया है, इंडियंस को भड़काने के लिए किया है। अब हमें कोरेसिव बताया बलपूर्वक, अब हमें कोरेसिव डिप्लोमेसी से काम लेना होगा, मतलब बलपूर्वक कूटनीति से काम लेना होगा। और परपरेटर्स को मुँह तोड़ जवाब देना होगा। परपरेटर्स मतलब, और हमें अपराधियों को मुँह तोड़ जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।